शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ हुआ था। उसी समय दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा भी देवयानी के साथ उसकी दासी के रूप में ययाति के भवन में आ गई। इस पर क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने राजा ययाति को तत्काल वृद्धावस्था में पहुंच जाने का श्राप दे दिया, जिसके कारण राजा ययाति तुरंत ही वृद्ध हो गए। इस पर राजा ययाति ने शुक्राचार्य से कहा, प्रभु, अभी तो मेरा वैवाहिक जीवन प्रारंभ हुआ था, यदि मेरी मृत्यु समय से पूर्व हो गई तो आपकी पुत्री का अहित हो जाएगा। यह सुनकर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि कोई तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी यौवनावस्था दे तो तुम उसके साथ अपनी वृद्धावस्था को बदल सकते हो। राजा ययाति के सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपने पिता को अपनी युवावस्था सहर्ष प्रदान कर दी। ऐसा कहा जाता है कि राजा ययाति ने ऐसा 10 बार किया और तब वह 1000 वर्ष के हो चुके थे। तब भी मृत्यु आई और मृत्यु ने कहा, अब क्या लालसा है। ययाति हंसने लगा। उसने कहा, अब मैं चलने को तैयार हूं। यह नहीं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, किंतु यह तो स्पष्ट है कि कोई भी इच्छा कभी पूर्ण हो नहीं सकती।